तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी जो सेकंड वीडियो है उसको। अपना जो स्टोरी थी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ठीक है, उसका जो हमने फर्स्ट पार्ट और ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें कुछ टॉपिक्स को। आज हमें डिस्कस करना था कि जो फीचर्स ऑफ लैंड, कि लैंड के क्या क्या फीचर्स हैं, और उस विलेज में जहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है तो वहां पे लोग लैंड का किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे उसका मल्टीपर्पज टाइप से उसको यूज करते हैं। तो क्या है मल्टी क्रॉपिंग, मतलब अगर लैंड को यूज कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, कल्टीवेशन कर रहे हैं उसमें, तो उसको मल्टीपर्पज से कैसे वो लोग यूज कर रहे हैं, कैसे वहां पे मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं। तो यही चीजें आज देखेंगे हम अपने आज की क्लास में, और भी बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, फार्मिंग इन पालमपुर की जो मेन जो एक्टिविटी है वहां की वो है फार्मिंग, ठीक है। तो फार्मिंग जो है वहां पे जो लोग फार्मिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो किस चीज पे किन चीजों का यूज, कौन इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं वो लोग, कौन से टेक्निक्स का यूज करते हैं, सारी चीजों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाउ फर्स्ट देखो, लैंड यूज होती है फार्मिंग में, ऑब्वियसली सबको पता है ये चीज। अभी देखो लैंड क्या फिक्स है, एक फिक्स चीज है लैंड, ठीक है, ये नहीं है कि बढ़ जाएगी, या फिर हाँ ये हो सकता है कि जो कुछ अनयूज्ड लैंड है, ठीक है, उसको हम कल्टीवेशन के लिए उसको यूज में उसका यूज कर सकते हैं, या उसको कुछ उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करके उसको कल्टीवेशन के लायक हम लोग बना सकते हैं, या फिर कुछ टेक्निक का यूज करके। अब देखो क्या बोला गया कि लैंड जो है वो क्या है, फिक्स है, ठीक है, बट सिंस 1960 इन पालमपुर, मतलब 1960 से लेके जो पालमपुर विलेज है वहां पे, कब से 1960 से इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया, मतलब जो लैंड एरिया है ना उसका कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है 1960 से, ठीक है, जब 1960 से उससे लेके अभी तक लैंड का किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ है। इस लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, किसके अंडर में, जो एरिया कल्टीवेशन के अंडर में आता है, ठीक है, जहां पे कल्टीवेशन मेन फार्मिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है या खेती बाड़ी की जाती है, यहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, उस लैंड के जो भी हिस्सा है उसके अलावा उसका एक्सपेंशन नहीं हुआ है, कब से 1960 से। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों, इसका रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज देयर इज नो फर्दर स्कोप ऑफ ब्रिंग न्यू लैंड अंडर कल्टीवेशन, मतलब कोई स्कोप नहीं था कि नई लैंड को कल्टीवेशन एरिया के अंदर में लाया जाए। सम वेस्ट लैंड हैव बीन कन्वर्टेड टू कल्टीवेबल लैंड, मतलब कुछ वेस्ट लैंड ऐसी थी जिसको कन्वर्ट किया गया, किस चीज में देखो ये दिख रही है ये लैंड, थोड़े बंजर टाइप की जमीन लग रही हो, तो ये वेस्ट लैंड थी, ओके, इसको कन्वर्टेड किया गया किसमें, कल्टीवेबल लैंड में, कल्टीवेबल लैंड में। यहाँ देखो यही वही लैंड ना, वही एरिया दिख रहा है जो पहले बंजर पड़ा हुआ था, अब देखो यहाँ पे पूरा हरा भरा हो गया, तो वही चीज बोली गई कि जो वेस्ट लैंड लैंड थी उसको कन्वर्ट किया गया कल्टीवेबल लैंड में। नाउ फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर, ये चीज हमने काफी बार डिस्कस कर ली इस चैप्टर में कि जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है, मेन एक्टिविटी फार्मिंग है पालमपुर विलेज में, या प्रोडक्शन एक्टिविटीज में जो मेन है वो फार्मिंग है। 75% कितने परसेंट लोग, 75% ऑफ पीपल हु आर वर्किंग, जो कि काम कर रहे हैं, आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड, मतलब अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, उस गांव के 75% लोग किसके ऊपर डिपेंड है, ऑब्वियसली फार्मिंग एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड है, प्रोडक्शन में मेन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं, टोटल पॉपुलेशन का 75% लोग फार्मिंग पे डिपेंड है। नाउ दे कुड बी फार्मर, या तो वो फार्मर खुद हो सकते हैं जिनकी खुद की जमीन है, या फिर फार्म लेबरर्स, मतलब या फिर तो उनकी खुद की जमीन है जिसपे वो लोग खेती कर रहे हैं, या फिर दूसरों की जमीन पे वो लोग खेती कर रहे हैं, राइट, तो ये दो केस हो सकते हैं। नाउ वेल बींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म, वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। देखो इसमें जो फार्मिंग एक्टिविटीज में ये लोग फार्मर लगे हुए हैं ना, यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, एक तो हो गया एक इंसान उतनी ही जमीन से बहुत कम प्रोडक्शन कर पा रहा है, एक उसी जमीन से काफी ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है, तो ये डिपेंड करता है कि वो अपने माइंड सेट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को, वो लोग कैसे अपनी एक्सपर्टीज को कैसे यूज करते हैं। तो क्या बोला है कि वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि सेम लैंड से कुछ ज्यादा ही प्रोडक्शन वो उसको मिल रहा है। फार्मर्स प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स, अब देखो टेक्निक्स कौन सी यूज करेंगे, अब ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो नई टेक्निक्स यूज कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो नया दिमाग लगा रहे होंगे वो, वही चीज देखते हैं। फार्मर्स प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स,
ज्यादा क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ लैंड, जितनी लैंड इतनी लैंड है तो इससे बहुत सारी क्रॉप को प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब आप लोग पूछोगे कैसे, देखो मल्टी क्रॉपिंग भी तो वो लोग कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं वो लोग, मल्टी क्रॉपिंग वो लोग कर सकते हैं अमाउंट ऑफ लैंड बाय यूजिंग मल्टीपल क्रॉपिंग। देखो कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्या होगा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, या फिर कुछ ऐसे सीड्स हैं उनके पास जो ज्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी है या ऐसे इक्विपमेंट्स हैं उनके पास जो उनकी फार्मिंग में हेल्प करते हैं ज्यादा प्रोडक्शन पाने में, ठीक है। तो ये सारे मेथड क्या कर रहे हैं वो लोग, जो फार्मर्स है वो यूज कर रहे हैं। अब देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है। अब स्टडी करेंगे हम मल्टीपल क्रॉपिंग को, एक बार रिकैप ले लेते हैं अपनी क्लास का। देखो स्टार्टिंग में से ही हम कहां से देख रहे हैं कि वहां पे जो 75% पॉपुलेशन है वो डिपेंड है मेन एक्टिविटी फार्मिंग पे, ओके। अब वो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक एक्टिविटी पर, मतलब जितना लैंड उनके पास अवेलेबल है उससे कुछ अमाउंट में ही प्रोडक्शन उन लोगों को मिल रहा है। बट वही कुछ लोग ऐसे भी हैं वहां पे, कुछ फार्मर्स ऐसे भी जो उनके पास भी सेम हिस्सा है लैंड का, उतने ही लैंड है उनके पास भी, बट वो लोग अपने माइंड का, अपनी नॉलेज का, अपनी एक्सपर्टीज का यूज करके उस छोटे से लैंड के हिस्से से ज्यादा प्रोडक्शन उन लोगों को मिल रहा है। तो उसके लिए वो कुछ मेथड्स और कुछ टेक्निक्स तो यूज करते हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग यूज करते हैं, दूसरा जो न्यू मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, मेथड्स हैं उनको वो लोग अडॉप्ट करते हैं। अब देखते हैं कि ये मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मल्टीपल क्रॉपिंग, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप, मतलब एक फसल से ज्यादा फसलों को ग्रो करना ऑन ए पीस ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर हिस्से के लैंड के हिस्से के ऊपर एक से ज्यादा फसलों को ग्रो करना, ओके, ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में, नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, उसी को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग। डेफिनेशन को ध्यान से देख लेना, बहुत इजी वर्ड्स में डेफिनेशन है क्या, ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन ए पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नॉन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके। नाउ अब ये मल्टीपल, जो ये मल्टीपल क्रॉपिंग है ये कैसे होगी देखते हैं। अब देखो जून टू सेप्टेंबर, जून टू सेप्टेंबर में कौन सी पर्टिकुलर फसल को वो लोग ग्रो कर रहे हैं, जवार बाजरा इज कल्टिवेटेड। जून से जो सितंबर के टाइम है उसको, उसके उस टाइम में जवार बाजरा जो है उसको कल्टिवेट किया जाता है, उसको उगाया जाता है, ओके। नाउ अभी देखो जवार एंड बाजरा यूज एज कैटल फीड, किस लिए यूज होता है, जो भैंसे होती है गाय भैंसों को चारा डालने के लिए जवार और बाजरा यूज किया जाता है। अभी देखो अक्टूबर टू दिसंबर का टाइम है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर उस टाइम पे जब खेत उनके खाली रहते हैं उस टाइम पे क्या वो लोग करते हैं, पोटैटोस कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। पहले क्या किया उन्होंने, जवार बाजरा कल्टीवेट किया, देन थ्री मंथ का टाइम उनके पास ऐसा रहेगा जब उनके खेत खाली रहते हैं कोई पर्टिकुलर फसल नहीं, उस टाइम पे उन्होंने जो पोटैटोस होते हैं, जो आलू होते हैं उनको कल्टीवेट किया। नेक्स्ट दिसंबर के बाद अब कौन सी, देखो दिसंबर टू मार्च, नेक्स्ट टाइम पीरियड क्या है, दिसंबर टू मार्च, ओके। अब दिसंबर टू मार्च में किस चीज को कल्टीवेट करेंगे वो लोग, वीट इज कल्टीवेटेड, सर्दियों के है मेन, तो उस टाइम पे किसका करेंगे, वीट का प्रोडक्शन करेंगे, ओके। दिसंबर टू मार्च वीट का कल्टीवेशन होगा, जून टू सितंबर देख लिया हमने किसका था, जवार बाजरा, नेक्स्ट नेक्स्ट कौन था, अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर पोटैटो, नेक्स्ट दिसंबर टू मार्च किसका कल्टीवेशन करेंगे वो, किस चीज का ग्रो करेंगे, वीट, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, हाँ किस चीज का करेंगे वो लोग, वीट का करेंगे, ओके। तो ये सारी क्या होगी, उस टाइम जो ये क्रॉप वो लोग ग्रो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, इसी को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग, ओके। नाउ एक सेकेंड, अब देखो मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं कि वो लोग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कौन सी अलग अलग फसलों को वो लोग ग्रो करते हैं, तो इसी को बोला जाता है मल्टीपल क्रॉपिंग। अब देखो यहाँ पे दिसंबर टू मार्च में वीट ग्रो कर रहे हैं तो उनके पास क्या होता है, इनफ अमाउंट में उनके पास क्या हो जाता है, वीट हो जाता है, सरप्लस अमाउंट में हो जाता है, तो सरप्लस जो वीट होता है उसको वो लोग सोल्ड कर देते, कहाँ पे, मार्केट में वो लोग सोल्ड कर देते, कहाँ पे,
रायगंज में, क्योंकि रायगंज उनके पास क्या एक बड़ा विलेज लगता है पालमपुर विलेज के नियर बाय, जो कि वेल कनेक्टेड है थ्रू रोड के। ओके, तो वो लोग जो सरप्लस अमाउंट में जो उनके पास जो गेहूं होता है, वीट की जो फसल होती है, उसको कहाँ बेच देते हैं वो लोग, रायगंज विलेज में। नाउ पार्ट ऑफ द लैंड सुगर केन इज कल्टिवेटेड, कुछ हिस्से पे, देखो क्या बोला गया, कुछ हिस्से पे क्या उगाया जाता है, सुगर केन, गन्ना। ओके, कुछ हिस्से पे गन्ने की फसल की जाती है। सुगर केन इज सोल्ड एज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर। अब देखो ये चीज भी हमने देखी थी, क्या शाहपुर भी नियर बाई विलेज या टाउन लगता है वहां पे। ओके, तो देखो उससे भी वो वेल कनेक्टेड है, तो वहां पे क्या करते हैं कि जो सुगर केन है उसको सोल्ड कर देते हैं वहां पे, जो ट्रेडर्स होते हैं जिनको जैगरी वगैरह बनानी होती है या फिर चीनी वगैरह सुगर वगैरह उनको बनानी होती है, तो उनके पास उसको सोल्ड कर देते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ लैंड, आप देखे जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट क्या देख लिया, मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे कि ये मॉडर्न टेक्निक्स कौन सी होती है जो फार्मिंग में यूज होती है या फिर जिसको मॉडर्न फार्मिंग बोला जाता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब स्टडी करेंगे मॉडर्न फार्मिंग के जो मेथड्स हैं, कौन कौन से मेथड्स को अडॉप्ट किया गया है मॉडर्न फार्मिंग में, उन चीजों को डिस्कस करते हैं। नाउ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में द मेन रीजन व्हाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखो एक साल भर में वो लोग 3 अलग अलग क्रॉप को क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं। अब वो 3 अलग टाइप के जो उनके पास जो फसलें हैं उनको कल्टीवेट कर रहे हैं, उनके पास सरप्लस अमाउंट में उनके पास अनाज भी हो रहा है और उसको वो लोग बाहर बेच भी रहे हैं, सोल्ड भी कर रहे हैं मार्केट में, तो इतना अच्छा प्रोडक्शन उनको मिल रहा है। तो उसके पीछे मेन रीजन क्या होगा कि उनकी फसलों को अच्छी अमाउंट में जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको अच्छे से मिलती होगी। तो इसकी वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो उनका इरिगेशन सिस्टम है वो क्या है, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। ओके, उनका जो इरिगेशन सिस्टम वो बहुत बेटर है, ठीक है। तो इसी वजह से वो लोग क्या कर पाते हैं, वहां के जो फार्मर्स है ग्रो कर पाते हैं 3 अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप की फसलों को वहां पे ग्रो कर पाते हैं, बिकॉज उनका जो इरिगेशन सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है, अच्छा इरिगेशन सिस्टम हम उसको बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू पालमपुर। देखो एक चीज ये भी हो गई कि जो बिजली है पालमपुर विलेज में बिजली जल्दी इंट्रोड्यूस हो गई, तो वहां पे सारे काम इजीली बिजली के हेल्प से हो जाते हैं, तो ये भी एक रीजन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जल्दी इंट्रोड्यूस हुई वहां पे। नेक्स्ट, इट्स मेजर इंपैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन, जिसका मेन इंपैक्ट कहां, मेन प्रभाव कहां पर पड़ता है। देखो यहां पे ये सारी चीजें चल रही है, ये किसी बिजली की हेल्प से चल रही है, तो ये एक इरिगेशन जो फैसिलिटी है उसमें एक अच्छी हेल्प करता है, उसकी वजह से जो इरिगेशन फैसिलिटी है उनकी वो अच्छी है और इरिगेशन मेथड अच्छे हैं वहां के, तो बिजली भी एक मेन वहां का इंपॉर्टेंट रिसोर्स है उनके लिए। नाउ रेसिन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड इरिगेशन स्मॉल फील्ड। अभी देखो इस टाइप की व्हील को बोला गया, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। इस टाइप की व्हील से वो क्या करते हैं, ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वाटर करते हैं, कहां से, कुएं से निकालते हैं, एंड इरिगेट स्मॉल फील्ड, और छोटे छोटे खेत जो है वहां पे, छोटे छोटे वहां पे खेत है, ठीक है, जितने भी खेत है वहां पे, छोटे छोटे जितने भी लैंड का हिस्सा मिला हुआ है वहां पे छोटे फार्मर्स को, उनको वो लोग क्या करते हैं, इरिगेट करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी उनकी उससे अच्छी हो जाती है। नाउ पीपल सो दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स, जो ट्यूबवेल्स इलेक्ट्रिसिटी से चलाए जाते हैं, कुड इरिगेट मच लार्जर एरिया ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली। मतलब क्या बोला गया, जो ट्यूबवेल्स बिजली की हेल्प से चलाए जाते हैं, तो वो जो ट्यूबवेल्स हैं वो बाकी जो इरिगेशन फैसिलिटी में यूज कर रहे हैं, जितने भी वो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, जितने भी साधन वो लोग यूज कर रहे हैं, तो उनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिसिटी वाले ट्यूबवेल्स हैं वो क्या काम करते हैं कि जल्दी वो पानी प्रोवाइड करते हैं खेतों को, ठीक है, तो उसमें टाइम कम कंज्यूम होता है। नाउ द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो ट्यूबवेल्स सडनली तो वहां के लोगों ने तो इंस्टॉल नहीं कर लिए होंगे, राइट, तो जो पहले पहले वहां पे इंस्टॉल किए गए थे वो किसने इंस्टॉल किए थे, गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किए थे। तो इससे क्या चीज हमें पता चलती है, हमें इससे ये चीज पता चलती है कि गवर्नमेंट वहां पे अवेयर है, जो भी नई पॉलिसी आती है, नई टेक्निक आती है, तो वो लोगों को वहां पे प्रोवाइड करवाती है, मुहैया करवाती है वहां के लोगों को। ओके, तो क्या बोला गया कि फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स, जो पहले कुछ फ्यू ट्यूबवेल्स जब इंट्रोड्यूस हुए होंगे तो पहले किसने वहां पे इंस्टॉल किए, गवर्नमेंट ने। ओके, नाउ Soon, however, farmers started setting up private tubewells. उसके बाद जो farmers थे उन्होंने अपने खुद के private tubewells लगाना start कर दिए। The first few tubewells were installed by government. Next one, some tubewells are started setting up private tubewells. Okay. As a result, by
mid-1970s, the entire cultivated area, कितना जो टोटल कल्टीवेटेड एरिया था, हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड, 200 हेक्टेयर, कितना किया गया, 200 हेक्टेयर जो एरिया था mid-70s में वो इरिगेट किया गया, ओके, टोटल एरिया का 200 हेक्टेयर। टिल द mid-1960s, द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिवली लो यील्ड। ओके, क्या बोला गया है कि जो उस टाइम पे जो अच्छे सीड्स आए थे, कब, 1960s में, उन सीड्स का ज्यादा ज्यादा यूज किया गया कल्टीवेशन वगैरह में, जब करते थे तो वो हाई हाई जो अच्छे वैरायटी वाले सीड्स होते थे उनको यूज करते थे। अब बोला गया कि 1965 एंड 1966 यूजिंग द ट्रेडिशनल सीड्स, जो ट्रेडिशनल सीड्स से कब, 1965 और 1966 की बिटवीन, ठीक है, यूजिंग द ट्रेडिशनल सीड्स द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया वाज 1300 केजी पर हेक्टेयर। तो उस टाइम पर हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता था व्हीट का वो कितना था, 1300 केजी पर हेक्टेयर। नाउ ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, क्यों, क्योंकि जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनको जो इरिगेशन रिक्वायर, जो पानी की रिक्वायरमेंट होती थी वो क्या होती थी, कम रिक्वायरमेंट होती थी पानी की। तो इसीलिए बोला गया कि जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे नीडेड लेस इरिगेशन। ओके, क्या बोला गया, नीडेड लेस इरिगेशन। नाउ फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। अब देखो फर्टिलाइजर्स में किन चीजों को यूज करते थे, एक तो हो गए पेस्टिसाइड्स हो गए, इन सब चीजों का पेस्टिसाइड हो गए, या फिर केमिकल्स वाले फर्टिलाइजर्स हो गए, एक होते नेचुरल फर्टिलाइजर्स जैसे मैन्योर हो गए, ठीक है, ये बनता है जैसे गाय भैंस के गोबर हो गए, तो उन चीजों से ये बनते हैं, ये मैन्योर वगैरह हो गए ये, ठीक है, इसको नेचुरल फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। तो फार्मर्स यूज काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर्स, क्या करते थे वहां के किसान, काउ डंग यूज करते थे, गाय का गोबर होता था उससे बना हुआ फर्टिलाइजर मैन्योर वगैरह यूज करते थे। ओके, ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। मतलब ऐसे फार्मर्स जो इजिली कुछ नहीं खरीद सकते थे कुछ फर्टिलाइजर, तो इन सबके पास ये जो फर्टिलाइजर्स वाली चीजें थी, मैन्योर हो गया, काउ डंग, ये इजिली इनके पास अवेलेबल होती थी। नाउ इन 1970 एंड 71 यूजिंग द HYV सीड्स, ये होते हैं हाई वैरायटी वाले सीड्स, हाई वैरायटी के हाई सीड्स बोलते हैं, ओके, हाई वैरायटी इल सीड्स बोलते हैं इनको। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया पहले कितना था, 1300 केजी पर हेक्टेयर था, ओके, बट HYV सीड्स का यूज करके जो कि हाई वैरायटी ऑफ सीड्स थे, अच्छा प्रोडक्शन ये सीड्स प्रोवाइड करते थे, तो इनका जब यूज होना स्टार्ट हो गया तो जो प्रोडक्शन था वो कितना इंक्रीज हो गया, 3200 केजी पर हेक्टेयर। देखा कितना लंबा उछाल आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल के नियर बाय ये जा रहा है, ठीक है, तो उस डबल से ज्यादा ये जा रहा है। तो देखो उस HYV सीड्स का यूज करने से जस्ट जो प्रोडक्शन था वो डबल से ज्यादा हो गया। नाउ अब देखो ये हो गए ट्रेडिशनल सीड्स, ठीक है, यहाँ पे देखो जो गेहूं की, यहाँ पे देखो ये फसल की इतने अच्छे से विजिबल नहीं हो, अच्छी फसल ये नहीं लग रहा कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छे से प्रोडक्शन होगा, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे जितने भी ये फूल वगैरह, ये जो गेहूं के दाने आए कितने अच्छे से यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो HYV सीड्स का जब यूज हुआ तो प्रोडक्शन सडनली क्या हो गया, डबल से ज्यादा होना स्टार्ट हो गया। नाउ इन द लेट 1960s फार्मर्स इन द पालमपुर यूज्ड ए कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग टू बी रिवॉर्डेड विद ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब क्या क्या वहां के लोगों ने इनका मिक्स करके एक कॉम्बिनेशन बना के इनका यूज करना स्टार्ट कर दिया, और जिसका रिजल्ट क्या मिला, ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसको क्या हरित क्रांति बोला जाता है। मतलब प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया कि सरप्लस अमाउंट में हो गया उनके पास, ओके, इसी को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स क्या क्या, देखो फार्म मशीनरी, मशीनरी पहले जहां पे प्लग वगैरह या फिर जो बैल वगैरह उनका यूज किया जाता था, अब किनका यूज होने लगा, जो मशीनरी होती थी उनका यूज होना स्टार्ट हो गया, ये डीजल वगैरह से यूज होता था, चलती थी ये, HYV सीड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया जिससे प्रोडक्शन कितना हो गया, जस्ट डबल का भी ज्यादा हो गया, अच्छे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हो गए, ठीक है, नेक्स्ट पेस्टिसाइड्स यूज होने स्टार्ट हो गए और इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो गई। अब इरिगेशन में देखो डैम के थ्रू या फिर कैनल्स के थ्रू या फिर पंप के थ्रू, अच्छा
पानी लोगों को मिलने लग गया, फैसिलिटी अच्छी ऐसी हो गई कि इनके थ्रू पंप वगैरह जोड़ के वो लोग अपने खेतों में पानी इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड करते थे, इरिगेट करते थे अपने खेतों को, अपने खेतों में फसलों तक वो लोग पानी पहुंचाते थे, ओके इनकी हेल्प से। आप देखो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में कौन कौन से यूज किए, याद रखने, फर्स्ट हो गया फार्म मशीनरी, मशीनरी का यूज होने लग गया, HYV सीड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स का यूज होना स्टार्ट हो गया, पेस्टिसाइड्स का यूज होना स्टार्ट हो गया, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी बन गई। इरिगेशन फैसिलिटी में तीन पार्ट आ जाएंगे, डैम, कैनल्स एंड पंप सीट, सॉरी पंप सेट्स, ओके। इन सब चीजों की हेल्प से जो मॉडर्न मेथड से उनसे फार्मिंग की जाने लगी और प्रोडक्शन क्या हो गया, एक अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन, सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ओके। हम जस्ट बोल सकते हैं जस्ट डबल का क्या होना, जैसे पहले 1300 kg पर हेक्टेयर था, अब कितना हो गया, कितना 3200 kg पर हेक्टेयर, यही चेंजमेंट आया ना इनमें। नाउ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर यूज करना स्टार्ट कर दिया हर चीज में। अब देखो व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यूज एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन, क्या बोला गया कि इन्हीं एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आप ये बताओ कि कैसे प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। एक जैसे कि ये लैंड का हिस्सा है, इस लैंड के हिस्से पे कौन से मेथड यूज किए जाए जिनकी जिन मेथड की हेल्प से यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इंक्रीज हो, उसको हम डबल कर सके या उसको ज्यादा कर सके, ठीक है। तो कौन कौन से अभी जितने भी हमने मेथड पढ़े, कौन से, मल्टीपल क्रॉपिंग, राइट, मॉडर्न फार्मिंग मेथड, ये सारे मेथड जो अभी तक हमने देखे, ये सारा का सारा जो है वो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे और वही हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ओके बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आए। देखो मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, हमने डिस्कस कर ली कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है, एक बार रिकैप ले लेते हैं क्लास का, हाईलाइट कर देती हूँ कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स हैं उनको। फर्स्ट हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग। अब मल्टीपल क्रॉपिंग में मैंने डेफिनेशन बताई थी क्या होगी, मोर देन वन क्रॉप ग्रो होती है किसके ऊपर, ए पीस ऑफ लैंड, एक जमीन के हिस्से पे क्या होती, एक से ज्यादा फसलों को ग्रो करना विद इन द ईयर, एक साल के अंदर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। नाउ यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हमने देख लिए, अभी अभी जस्ट अभी देखे थे, 5 मिनट भी नहीं हुए देखे हुए, अभी डिस्कस किए थे क्या मॉडर्न फार्मिंग मेथड कौन कौन से थे। देखो अभी यहाँ पे यूज फार्म मशीनरी हो गया, ट्रैक्टर वगैरह क्या यूज करते थे वो लोग, उनकी इरीगेशन फैसिलिटी अच्छी थी, HYV सीड्स का यूज होता था, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से यूज करते, तो ये सारे के सारे मेथड किस में आ जाएंगे, मॉडर्न फार्मिंग मेथड में, ऑब्वियसली। गुड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब देखो, अब देखेंगे हम कि लैंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हमको पता है कि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता, ओके, तो इसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है वो क्या इक्वली नहीं है हर जगह पे, हर जगह पे जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या डिफरेंट है, अलग अलग है, तो हम उसको बोल देंगे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ओके। नाउ लैंड इज ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, वी ऑलरेडी नो दैट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स, ओके। नाउ इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज, क्या बोला गया कि लैंड एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यू नहीं हो सकता, ओके, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई लैंड को अच्छे से यूज करना है, जितने नेसेसरी है, जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ केयरफुल तरीके से उसको यूज करना है, ओके। अब देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज लेड टू लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, देखो आ गई ना प्रॉब्लम, कोई भी नई टेक्निक यूज करेंगे जिससे मास लेवल पे प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, अरे इनका कुछ ना कुछ तो नेगेटिव इंपैक्ट होगा, वही नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि इन सब चीजों का जो रिवोल्यूशन हुई इन सब चीजों के यूज से, तो उससे क्या हुई, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई, ओके, ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे थे एक टाइम पे, तो उसका कुछ प्रॉफिट मिला क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन मिला, बट फ्यूचर में, फ्यूचर के लिए उस पर्टिकुलर सोइल की जो फर्टिलिटी थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई, ऑलमोस्ट खत्म के नियर हो गई। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन हैज रिड्यूस्ड द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड, अब कंटिन्यूसली अगर एक जगह से कुएं से भी अगर पानी निकालते जाएंगे बट एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब उसका वाटर लेवल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली
कम हो जाएगा। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी कि कंटिन्यू जब उस पानी को निकालते गए, ग्राउंड वाटर को निकालते गए, तो जो जमीन थी उसके ऊपर जो वाटर लेवल था वो क्या हो गया, ग्राउंड लेवल जो ऑलरेडी जो लेवल था उससे बहुत ज्यादा नीचे चला गया। आप देखो हमने देख ली लैंड क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, उसकी चीजें डिस्कस कर ली कि ग्रीन रिवोल्यूशन तो हुई बट उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ कि वहां की जो सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो गई और जो ग्राउंड वाटर का जो लेवल था वो पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा डाउन चला गया। अब देखते हैं लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली, कैसे लैंड को हम बोलते हैं कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है अनइक्वली। नाउ देयर आर 40 फैमिलीज, देखो 450 फैमिलीज रहती है पालमपुर में। स्टार्टिंग में देखा था हमने जब स्टोरी का स्टार्ट किया था ना, हमने विलेजपुर बोली सॉरी पालमपुर विलेज की जब स्टोरी स्टार्ट की थी तब हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि 450 फैमिलीज है वहां पे। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो 450 फैमिलीज है उनके पास हर एक के पास इक्वल जमीन होगी? ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। इन पालमपुर नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशियंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान के पास वहां पे जमीन अच्छी हो जिसके ऊपर वो कल्टीवेशन कर सके, सफिशियंट लैंड हो उनके पास उस पे सफिशियंट अमाउंट पे वो प्रोडक्शन कर सके, तो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी के पास छोटा सा हिस्सा भी हो सकता है उस हिस्से में वो खेती करता हो तो उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं होती उस प्रोडक्शन से। तो क्या बोला गया कि ये कंपलसरी नहीं है कि नॉट ऑल द पीपल इंगेज, कि सब लोग खेती में इंगेज हैव सफिशियंट लैंड और उनके पास सफिशियंट लैंड है फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन पर्पज से। 150 फैमिलीज, अब देखो 450 है जिसमें से 150 फैमिलीज इन पालमपुर आर लैंडलेस एंड मोस्ट ऑफ देम आर दलित। क्या देखा था स्टार्टिंग में हमने, कुछ याद आ रहा है या फिर भूल गए? यहाँ पे देखो खेतों में काम कर रहे हैं ना ये लोग, ये हैं दलित लोग जिनको स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये गांव में एक कोने के जो गांव की जमीन है उसका एक कोने का हिस्सा है वहां पे ये लोग रहते हैं, इनके मकान भी कच्चे हैं, ये एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि ये जो लोग हैं 150 फैमिलीज लैंडलेस है, मतलब इनके पास कोई जमीन नहीं है। ओके, तो ऑब्वियसली इनके पास जमीन नहीं है तो ये कहाँ काम करेंगे, दूसरों के खेतों में काम करेंगे, समझी बात? नाउ आउट ऑफ 450 फैमिलीज इन पालमपुर 240 फैमिलीज आर स्मॉल फार्मर्स। अब देखो टोटल कितनी फैमिलीज थी, टोटल है 450, 450 में से नो लैंड। ओके एक सेकेंड, इसको यहां लिख लेते हैं। देखो टोटल कितनी फैमिली है, 450, 150 फैमिलीज ऐसी है जिनके पास नो लैंड, 240 फैमिली ऐसी हैं स्मॉल खेत, छोटे छोटे खेत हैं उनके पास। ओके नाउ आर स्मॉल फार्मर, छोटे किसान है 240 फैमिलीज इन पालमपुर, देर आर 60 फैमिलीज। अब देखो 60 ऐसी फैमिली हैं जिनके पास मीडियम क्या है, मीडियम और लार्ज फार्मर्स जिनको बोलते हैं, लार्ज फार्मर्स कितनी 60 फैमिलीज ऐसी हैं जिनको क्या बोलते हैं, मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स इनको बोला जाता है। समझ में आ गई? 450 में से 150 के पास कोई जमीन नहीं है। ओके, 240 के पास स्मॉल लैंड का हिस्सा है, छोटे जमीन का हिस्सा है, और जो 60 फैमिलीज हैं उनको मीडियम या फिर लार्ज फार्मर्स बोला जाता है। तो ये इससे बोल सकते हैं कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, अनइक्वली है। अब देखो यहाँ पे मोर देन 2 हेक्टेयर, जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन थी, क्या बोला गया, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बोली गई है, कितने 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन वालों को मीडियम बोला गया है। ठीक है, 2 हेक्टेयर से जिनके पास ज्यादा जमीन है उनको मीडियम फार्मर्स बोला गया है। नेक्स्ट, एक सेकेंड रफ कर देते हैं इसको, समझने में इजी होगा फिर। हाँ तो बच्चों देखो क्या देखा हमने, मीडियम फार्मर्स किसको बोलते हैं, मीडियम फार्मर्स किसको बोला गया है, मोर देन 2 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है तो भाई आप मीडियम फार्मर की कैटेगरी में आ गए। ओके, अब ये देखो बड़ा सा हिस्सा, अब ये 2 हेक्टेयर से तो ज्यादा होगा, 2 हेक्टेयर जब ये इतना है, ठीक है, तो ये हिस्सा तो इससे काफी बड़ा है। तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से
यहाँ पे देखो लार्ज, इनको क्या बोला गया है, लार्ज फार्मर्स, ओके okay? लार्ज फार्मर्स, 10 हेक्टेयर हो गया, 20 हेक्टेयर हो गया, तो इनको बोला जाता है लार्ज फार्मर्स। देखो 10 हेक्टेयर, लिमिट देखना, 2 हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो आप मीडियम की कैटेगरी में आ गए, 10 हेक्टेयर से ज्यादा होगा तो आप लार्ज की कैटेगरी में आ गए। ओके नाउ नंबर ऑफ फार्मर्स, अब यहां पे देखो नंबर ऑफ फार्मर्स कितने हैं, कल्टीवेटेड एरिया कितना है, अब यहाँ पे देखो 44.60%, कितना 44.60, मतलब 100 में से 44.60 जो परसेंट लोग हैं वो क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स, ओके 44.60% क्या है, स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है। स्मॉल फार्मर्स देखो कंडीशन क्या थी, मीडियम वाले के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा लैंड होगी और जो लार्ज वाले हैं उनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा होगी, तो मतलब इनके पास तो 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। नेक्स्ट, अभी कल्टीवेट देख, इन इंडिया 44.60% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल, ये इंडिया की कंटेस्ट में बात हो रही है, ठीक है, किसके कंटेस्ट में बात हो रही है, ये इंडिया के, हमारे इंडिया में 44.60% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि स्मॉल फार्मर्स की कैटेगरी में आती है। नाउ अब देखो 55.40% ऑफ फार्मर्स आर मीडियम एंड लार्ज, मीडियम मतलब 2 हेक्टेयर से ज्यादा, लार्ज मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा, ठीक है। देख लिया हमने क्या कंडीशन है मीडियम की और लार्ज की, मीडियम में होगा 2 हेक्टेयर से ज्यादा और लार्ज में होगा 10 हेक्टेयर से ज्यादा, तो 55.40 जो परसेंट पॉपुलेशन है वो किस कैटेगरी में आती है, जिनके पास, जिनको बोला जाता है मीडियम एंड लार्ज, क्या मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स उनको बोला जाता है। नाउ 44.60% ऑफ स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेटेड 85% ऑफ लैंड। अब देखो यहां का मैथ देखना क्या बोल रहा है, रफ कर लेते हैं इसको। अब यहां पे देखो क्या चीज बोली गई है कि जो ये 44.60% जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं कितने 44.60%, ये जो लोग हैं ये 85% लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं, कितनी को, 85% को, ये जो लैंड है 85% है। और देखो जो लार्ज फार्मर्स हैं उनकी कितनी है, उनकी परसेंटेज 55.40% पॉपुलेशन, ओके वो 50% लैंड को कर रहे हैं, 15% लैंड को कल्टीवेट कर रहे हैं ये लोग। तो देखो इससे क्या चीज पता चली है, इस चीज से हम बोल सकते हैं कि देखो इनकी पॉपुलेशन क्या है, परसेंटेज में कम है बट ये कल्टीवेशन का जो इनका एरिया है वो ज्यादा है, यहाँ पे जो इनका पॉपुलेशन है इनकी लार्ज फार्मर्स की और मीडियम फार्मर्स, ये क्या है, ज्यादा है बट इनके पास एरिया, जो परसेंटेज ऑफ एरिया है लैंड का वो कम है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वली हो रखा है। ओके आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से माइंड में सेट हो गई होंगी, एक बार इस फिगर को देख लो अच्छे से, चीजें और अच्छे से क्लियरिफाई हो जाएंगी। नाउ फीचर्स ऑफ लेबर, अब लेबर के क्या क्या फीचर्स है, नाउ लेबर इज द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फार्म लेबर्स कम फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज और फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब क्या बोला, जो फार्म लेबर्स होते हैं, जो खेतों में जो लेबर होते हैं जो काम करते हैं, तो भाई अगर उनके पास इतना अमाउंट में अगर लैंड होती तो वो अपनी ही लैंड पे कल्टीवेशन कर लेते, अपनी ही लैंड पे वो लोग क्रॉप को ग्रो कर लेते, तो वो लोग वहां पे जो काम करने एज ए लेबर वो लोग वहां पे काम क्यों करते हैं। ऑब्वियसली उनके पास क्या होता है, या तो उनके पास लैंडलेस होते हैं वो लोग, उनके पास जमीन नहीं होती है, या फिर उनके पास जो फैमिली बड़ी होने के कारण उनके पास बहुत छोटा हिस्सा होता है लैंड का, प्लॉट का, जिससे उनके लाइवलीहुड भी इजिली नहीं चल सकती। आप देखो स्टूडेंट्स, फार्म लेबर्स लेबरर्स डू नॉट हैव राइट ओवर द लैंड, मतलब क्या, वो लोग काम तो करते हैं खेतों के ऊपर बट उनका जमीन पे कोई हक नहीं होता, खेतों पे कोई हक नहीं होता, दे आर पेड वेजेस, उनको क्या दिया जाता है, वेजेस प्रोवाइड की जाती है इन कैश और इन काइंड बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क, या फिर उनको क्या कुछ अनाज वगैरह दे देते हैं जो वहां के जो फार्मर्स होते हैं, बड़े फार्मर्स होते हैं, या फिर उनको वेजेस प्रोवाइड करते हैं कि हाँ आपने 10 दिन काम किया 10 दिन के आपके इतने पैसे हो गए, तो इस फॉर्म में वो लोग, इस तरीके से वो लोग दूसरों के खेतों में काम करते हैं। नाउ वेजेस वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, बोला कि वेजेस फिक्स नहीं है,
कि भाई आपने इतना काम किया है, 10 दिन काम किया तो आपको 5,000 रुपीज मिलेगी, नहीं, ये फिक्स अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करता, वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, रीजन टू रीजन डिपेंड करता है भाई। किस कई जगह पे ऐसी है जहाँ पे लैंड बहुत, जिसको जहाँ पे लैंड को बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है, मतलब वहाँ के जो जमीन है वो अच्छी नहीं है, वहाँ पे ज्यादा मेहनत की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे जो वेजेस प्रोवाइड की जाएगी वो ज्यादा की जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड वेरी करता है रीजन टू रीजन, क्रॉप टू क्रॉप, या फिर एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटीज पे ये डिपेंड करता है, इनके अकॉर्डिंग वेजेस डिसाइड होती है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो वेरी, मतलब ये नहीं है कि उनको पूरे साल भर काम मिल जाएगा खेतों में, ठीक है, कुछ टाइम ड्यूरेशन ऐसा भी हो सकता है कि भाई उनको काम ना भी मिले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि जो उनके एम्प्लॉयमेंट है, काम कर मिलता है उनको, वो ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। नाउ अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस और फॉर वन एक्टिविटी और फॉर द होल ईयर। क्या बोला गया, जो एक फार्म, जो खेत में काम करने वाला लेबर होता है, उसको साल भर काम नहीं मिलता, या तो उसको पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए काम मिल जाएगा, या उसको पूरे साल भर किसी पर्टिकुलर उसके लिए काम दे देंगे, ठीक है, या फिर उसको डेली बेसिस पे काम पे रखेंगे, या फिर किसी पर्टिकुलर वन एक्टिविटी के लिए उसको काम पे रखा जाएगा। लेबर इज माइग्रेटिंग टू नियर बाई विलेजेस, टाउन एंड सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। अब जो वहां के लेबर्स होते हैं, अब भाई एक पर्टिकुलर गांव में रह रहे हैं, यहाँ पे उनको काम नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाएंगे। माइग्रेट करना मतलब मूव करना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो काम की तलाश में या तो एक गांव से दूसरे गांव चले जाएंगे, या गांव से शहर चले जाएंगे। तो वही चीज बताई गई है कि लेबर है माइग्रेटिंग कर देते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं बाय नियर बाय विलेजेस या फिर टाउन्स या फिर सिटीज इन सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश में, क्योंकि भाई अगर वो काम करना चाहते हैं, उनको अपनी लाइवलीहुड भी चलानी है, अपनी बेसिक नीड्स को भी उनको पूरा करना है। सम लेबर हैज एंटर द नॉन फार्म सेक्टर इन द विलेज, और कुछ फार्म जो लेबर है वो ऐसे हैं जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है खेतों में, जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज, यहाँ पे भी तो लेबर चाहिए होते हैं ना काम करने के लिए, डेयरी फार्म हो गए, दुकानें हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, तो कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में क्या करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। नाउ लेबर के सिचुएशन ऑफ लैंडलेस फार्म लेबर, जो जिन लेबर्स के पास लैंड ही नहीं है, तो उनकी सिचुएशन क्या है, और इससे रिलेटेड एक केस स्टडी होगी। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो बाकी टॉपिक है ये देखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, एंड आई एम सॉरी कि आज की इस क्लास में ये टॉपिक है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। आई होप सो कि हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें इस पूरे चैप्टर को, कि यार चैप्टर अगर समझना अच्छे से तो उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ऐसे तो ये वन शॉट में भी कंप्लीट हो सकता था, बट मुझे वो चीज़ ठीक नहीं लगी कि इसको मैं जल्दी खत्म कर दूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको 10th क्लास की इकोनॉमिक्स में या फिर 11th या 12th क्लास में आपको हेल्प करेगी, तो इसलिए मेरे को लगा कि हाँ इसको अच्छे, इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके,